हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टॉरस टेक। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में, क्योंकि मीडिया टेक ने 9300 प्रोसेसर बहुत ही रिसेंटली इसी मंथ में लॉन्च किया था। एंड उसके पहले क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 का Gen 3 वर्जन भी लॉन्च किया था। तो ये दो जो प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये एंड्रॉयड की द बेस्ट प्रोसेसर्स रहने वाली है। एंड इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन आ जाए कि कौन सा है दी बेस्ट प्रोसेसर फॉर एंड्रॉयड राइट नाउ। एंड ये वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, इस चैनल के अराउंड नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अभी बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले सीपीयू यूजेज के बारे में। मीडियाटेक में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 64 बिट का मिल रहा है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर भी मिल रहा है। एंड सेम स्नैपड्रैगन 8 जेन में भी आपको सिमिलर 64 बिट का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो आपको 1+3+4 का मीडियाटेक में हो रहा है एंड स्नैपड्रैगन में 1+3+2+2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड इमेज में 1+3+4 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, आपको 1x3.25 GHz का एक कॉर्टेक्स X4 यूज़ किया गया है, उसके साथ जो थ्री बचे हुए हैं उसमें 2.85 GHz का कॉर्टेक्स X4 है एंड बचे फोर जो है उसमें आपको 2 GHz का कॉर्टेक्स A720। तो यहाँ पे दोनों में आपको कॉर्टेक्स X4 यूज़ किया गया है। सिमिलरली स्नैपड्रैगन में आपको 1+3+2+2 डिस्ट्रीब्यूशन में 1x3.3 GHz कॉर्टेक्स X4 यूज़ किया गया है। सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स X4 है, बाकी जो भी है आपको 3x3.15 या फिर 2x2.96 जो है वो आपको कॉर्टेक्स A720 है। एंड बचा हुआ 2x2.26 जो है गीगाहर्ट्ज़ का आपको कॉर्टेक्स A520 यूज़ किया गया है। सीपीयू आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 में आपको फ्रीक्वेंसी जो यूज़ किया गया है 3250 mHz का यूज़ किया गया है। स्नैपड्रैगन में आपको 3300 mHz, सो यहाँ पे 50 mHz का एडवांटेज है स्नैपड्रैगन में, बट दोनों में ही सिमिलर 4 नैनोमीटर का सीपीयू आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है। उसके साथ अगर हम ग्राफिक्स देखेंगे, ग्राफिक्स में आपको मीडियाटेक में GPU माली का G720 इमोर्टलिस MP12 का GPU यूज़ किया गया है। स्नैपड्रैगन में स्नैपड्रैगन का खुद का GPU एड्रेनो 750 GPU यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मीडियाटेक में GPU का फ्रीक्वेंसी 1300 mHz का है एंड स्नैपड्रैगन का GPU फ्रीक्वेंसी 770 mHz का है। तो कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 है वो थोड़ा बेटर है ग्राफिक्स में। मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 में आपको LPDDR5 का रैम एंड स्नैपड्रैगन में भी LPDDR5 का ही रैम यूज़ किया जाएगा, बट टाइप जो रहेगा यहाँ पे X का रहेगा स्नैपड्रैगन में एंड T का रहेगा मीडियाटेक में। फ्रीक्वेंसी दोनों में ही सिमिलर फ्रीक्वेंसी है, 4800 mHz का फ्रीक्वेंसी रहेगा रैम का। एंड मैक्सिमम साइज ऑफ रैम जिसमें यूज़ किया जा सकता है वो है अप टू 24 GB ऑफ रैम आप इसमें दोनों प्रोसेसर्स में यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बट यस, 24 इज़ वेरी मच। अगर हम कैमरा सपोर्ट देखेंगे यहाँ पे तो मैक्स कैमरा सेंसर्स मीडियाटेक में आपको एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको 320 MP का मैक्सिमम कैमरा सेंसर सपोर्ट दिया गया है। स्नैपड्रैगन में सिर्फ 200 MP का आपको मैक्स कैमरा सेंसर दिया गया है। वीडियो कैप्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मीडियाटेक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि 8K जो है वो 30 FPS में है सिमिलरली स्नैपड्रैगन में भी, बट 4K जो है वो सिर्फ 60 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वेर एज इन स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आप 4K 120 FPS पे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो थोड़ा ये एडवांटेज रह सकता है स्नैपड्रैगन के लिए। एंड रेजोल्यूशन सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से मीडियाटेक टेक्स अ लीड, क्योंकि रेजोल्यूशन सपोर्ट जो है वो आपको 4K रेजोल्यूशन एट 120 Hz का रिफ्रेश रेट मीडियाटेक में है सपोर्ट विथ WQHD एट 180 Hz। 180 Hz अप टू 180 Hz इज अ वेरी बिग डील फॉर अ फोन। एंड यहाँ पे डिस्प्ले अगर आप देखोगे स्नैपड्रैगन में रेजोल्यूशन सपोर्टेड जो है वो आपको 4K है 60 Hz के लिए, एंड QHD+ जो मिलता है आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी में आपको 5G तो दोनों फोन्स में मिलेंगे, ऑब्वियसली वाईफाई 7 जो है वो लेटेस्ट वर्जन मिलेगा एंड ब्लूटूथ का भी लेटेस्ट वर्जन दोनों में ही मिलता है, वो 5.4 का ब्लूटूथ वर्जन है। इसी के साथ अगर हम परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करेंगे तो ये वाली ऑफिशियल स्कोर्स है दोनों के बीच में, परफॉर्मेंस में दोनों में ही आपको 98 मिलता है। दोनों का मल्टी कोर एंड सिंगल कोर प्रोसेसर टेस्ट किया गया है जिसमें आपको स्कोर दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 का 98 एंड डायमेंसिटी 9300 का भी 98 दिया गया है। तो ये परफॉर्मेंस में सेम है सीपीयू परफॉर्मेंस। उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो दोनों का ही बात नहीं है भाई, दोनों में ही 100 मिला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑब्वियसली ये एंड्रॉयड में बेस्ट प्रोसेसर रहेंगे तो उसके वजह से आपको 100 इज़ अ एक्सपेक्टेड स्कोर फ्रॉम दीज टू प्रोसेसर्स।
परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ में यहाँ पे थोड़ा डायमेंसिटी 9300 लीड ले लेता है, क्योंकि आपको 92 स्कोर है बैटरी लाइफ में, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में 91 ही स्कोर है, एक ही परसेंटेज का डिफरेंस है, बट या इट्स डिफरेंस। एंटूटू स्कोर जो है यहाँ पे बहुत मार खाता है स्नैपड्रैगन का 8 जेन 3, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायमेंसिटी 9300 एंड स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 के दोनों के बीच में आपको 60,000 के आसपास का डिफरेंस है। मतलब दिखने में अगर आप देखोगे एंटूटू स्कोर्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है वो, बट ये बड़ा ये जो अमाउंट का डिफरेंस है वो भी मैटर करता है एंटूटू स्कोर में। इसी के साथ अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, सीपीयू में स्नैपड्रैगन में कम आया हुआ है एंड सीपीयू में मीडियाटेक को 6 लाख आया हुआ है स्कोर, विच इज़ अ वेरी ह्यूज स्कोर। जीपीयू में भी स्नैपड्रैगन को कम आया हुआ है, बट मेमोरी एंड यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस दोनों में ही स्नैपड्रैगन जो है वो लीड में आ जाता है फिर से। एंड टोटल स्कोर में अगर आप देखोगे उतना लीड में आने के बाद भी मीडियाटेक ही विनर है एट दी एंड, स्नैपड्रैगन का जो है वो आपको टोटल 60,000 के आसपास का डिफरेंस मिल जाता है। इसी के साथ अगर आप गीक बेंच का स्कोर भी देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल कोर प्रोसेसर एंड मल्टी कोर में भी स्कोर किया गया है। सिंगल कोर में फिर से डायमेंसिटी का हायर है स्कोर, जस्ट अबाउट आई वुड से 20-30 का डिफरेंस है, बट इट इज़ ओके गुड। मल्टी स्कोर में अगेन स्नैपड्रैगन विंस, स्नैपड्रैगन टेक्स अ लीड, 36 का आसपास के लीड है मीडिया स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में डायमेंसिटी 9300। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे दोनों में से कौन सा बेटर है, ऑन पेपर से अगर आप देखोगे गीकबेंच रिपोर्ट या फिर एंटूटू रिपोर्ट से अगर आप देखोगे तो आपको मीडियाटेक का जो है थोड़ा मिनिमल डिफरेंस से हायर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 एंड स्नैपड्रैगन का थोड़ा कम है, अराउंड 60,000 के आसपास का डिफरेंस है। ये थोड़ा छोटा नंबर ही है बट अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी इम्पैक्ट रहेगी इस 60,000 की वजह से भी। मीडियाटेक का 9300 प्रोसेसर लिटिल बिट बेटर एंड लिटिल बिट फास्टर कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 8 जेन 3, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टो कोर अगर आप देखोगे स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 में आपको 1+3+2+2 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट मीडियाटेक में 1+3+4 होने के बावजूद भी आपको कॉर्टेक्स X4 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ दोनों में यूज़ किया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक में यूज़ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट A720 एंड A520 यूजेज है, इसके वजह से ये थोड़े चेंजेस के वजह से मीडियाटेक का जो है प्रोसेसर बहुत अच्छा है एंड शायद ही फर्स्ट टाइम है मीडियाटेक जो है स्नैपड्रैगन को भी बीट कर रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ ही है मीडियाटेक के लिए। एंड अगर आप इन दोनों फोन दोनों प्रोसेसर्स में भी कौन सा फ़ोन भी लेंगे एट दी एंड दोनों में ही बेस्ट रहेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर आप देखोगे दोनों में ही बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, बट मीडियाटेक इज स्लाइटली बेटर कंपेयर टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर फॉर द फर्स्ट टाइम। बट येस, आज के लिए इतना था गाइस वीडियो, आई डू होप कि आपको ये पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेक श्योर यू लीव अ लाइक, एंड अगर आप इस चैनल के अराउंड नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारे फ्यूचर अपडेट जो भी है वो आप मिस आउट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मेरा नाम है गौरव, मिलते हैं अगले वीडियो में।